खाओ। आशीर्वाद दो, खूब बढ़िया, अगले साल खूब बढ़िया से फिर हम लोग आए। हाँ, जय गंगे बाबा। हार्दिक स्वागत है। आप सभी अपने सामान का सुरक्षा तय करें और घाट पे भीड़ न लगाए। कृपया घाट पे भीड़ न लगाए और मसाने का मौका ले और फोटो सभी से लगे। घाट के बाद 100 मीटर के लिए चले फोटो खींचना मना है। कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊं कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। प्रयाग भूमि में गंगा यमुना और अदिश सरस्वती की त्रिवेणी की धारा सदियों से बहती आ रही है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। ब्रह्मा जी ने यहाँ उत्कृष्ट यज्ञ किया था जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। संगम की इस धरती को तीर्थराज प्रयाग पुकारा जाता रहा है। पुराणों में तीर्थराज प्रयाग को हजारों तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तभी तो भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में प्राचीन प्रयाग की गंगा की महिमा के बारे में लिखा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला।
गंगा हमारे आस्था विश्वास निष्ठा भक्ति की ऐसी अविरल धारा है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ी रहती है। गंगा मैया की महिमा अनंत और अपरंपार है। गंगा तट पर जाना, वहाँ की बालू युक्त आय रजकण को स्पर्श और दर्शन से ही हमारे मन की कलुषता को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि यहाँ पूरे माघ मेले में श्रद्धालु भक्तों तथा साधु सन्यासियों कल्पासियों की ओर से जप तप यज्ञ बराबर चलता रहता है। गंगा में स्नान करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गंगा यमुना की धारा प्रवाह से हमारे चिंतन की दिशा भी बदल जाती है। रामायण काल से ही प्रयाग के महत्व को बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार यहाँ श्री राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन गमन के समय आए थे और भगवान श्री राम ने केवट से विनय करके गंगा नदी पार की थी और भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए थे। संगम प्रयाग और माघ स्नान का अत्यंत रोचक विवरण रामचरितमानस में मिलता है। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी जितेंद्री दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, इस माघ के मेले में साधु सन्यासियों कल्पवासियों के साथ साथ दूर दराज से काफी संख्या में साइबेरियन पक्षी भी आते हैं और पूरे एक माह बसेरा डालकर संगम में स्नान करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा, तिनहिं राम पद अति अनुरागा। तपस समदम दया निधाना, परमारथ पत परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी। माघी पूर्णिमा पर उत्सव उमंग के अद्वितीय प्रवाह का साक्षी बना पावन त्रिवेणी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक स्वयं को तारने का भाव लेकर तीर्थराज पहुँचे। बांध के नीचे उतरते ही लाखों की भीड़ भाव विह्वल हो उठी। माघी पूर्णिमा पर माघ मेला 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को कुछ ऐसा ही मनोरम दृश्य रहा, जहां पुण्य प्राप्ति के लिए हर कोई संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर रहा। संगम की रेती पर 4 जनवरी से चल रहा कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा स्नान करके रविवार को मेला क्षेत्र में कल्पवासी परस्पर एक दूसरे के शिविर में जाकर नम आँखों से गले मिलकर विदाई दी और अगले वर्ष पुनः आने की शुभकामनाएँ प्रदान की।
थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।